ऑलरेडी चार बार फेल हो चुकी हुई इंजीनियरिंग में सो so, तब मैंने सोशलाइज करना स्टार्ट किया तब मुझे पता चला अच्छा अलग अलग लोगों से अलग अलग बात करते तब मुझे कॉन्फिडेंस आया और कैसे आया क्योंकि मैंने इम्प्लीमेंट किया आई स्टार्ट कम्युनिकेटिंग आई टेकिंग द अगर आपको इंग्लिश इम्प्रूव करना है तो आप उस इंटेंशन से करो करोट आई वॉन्ट टू वर्क ऑन माई इंग्लिश लैंग्वेज आई वॉन्ट टू वर्क ऑन माई वो कैबुलरी एंड फॉर माई गुड माई नेम इज इ गुप्ता आई एम अ पब्लिक स्पीकर और सॉफ्ट स्किल ट्रेनर फुल टाइम इवेंट प्लानर तो मैं बेसिकली एक बहुत अपर फैमिली से हूँ जहाँ पे ना बोलते ना कि बॉर्न सिल्वर स्पून आपको कुछ नहीं करना पड़ता वैसे हूँ तो मैंने पहले अपना स्कूलिंग किया एक कॉन्वेंट स्कूल से फुल गर्ल्स स्कूल तो तब ना मुझे लगा कम्युनिकेशन की ज़रूरत ही नहीं है वॉट विल वी डू विद कम्युनिकेशन वाई आर कम्युनिकेशन स्किल्स सो इम्पोर्टेंट इज नथिंग इट्स जस्ट क्लीशे शेर इज़ नथिंग बट वेन आई वेंट टू डू माई इंजीनियरिंग माई अंडर ग्रेजुएशन का कोर्स इन अमृता यूनिवर्सिटी एंड देट वीज माई ऑल्सो माई फर्स्ट एक्सपीरियंस इन अ को एडुकेशन कॉलेज आई डेंटी वन नो कि भाई बात कैसे करते हैं लड़कों से जाके या लड़कियों से भी कैसे बात करते हैं या दोनों से एक ही जैसे बात करनी चाहिए मुझे पता ही नहीं था कम्युनिकेशन जरूरी है फिर मैंने देखा कि पीपल अराउंड मी दे कम्युनिकेट सो इजिली दे सोशलाइज देयर नेटवर्किंग एब्सोल्यूटली अमेजिंगली एंड दे आर ऑल्सो एबल टू फिनिश देयर वर्क अब वर्क क्या है इंजीनियरिंग में तो दुनिया भर के प्रोजेक्ट्स होते हैं सबमिशंस होते हैं डेडलाइंस होते हैं असाइनमेंट्स होते हैं इतना कुछ होता है सो इफ यू डोंट कम्युनिकेट इफ यू डोंट इवन एंगेज विद पीपल अराउंड यू हाउ विल देम और हाउ आर यू गोइंग टू म्यूचुअली टेक दिस टूगेदर दैट्स द प्रॉब्लम दैट्स वेन आई रियलाइज कम्युनिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट दिस एब्सोल्यूटली नथिंग इन लाइफ विदाउट कम्युनिकेटिंग आई नो हैंड जेस्टर्स होते हैं हैंड साइंस होते हैं बहुत कुछ है बट जब तक आप कम्युनिकेट नहीं करोगे वो सामने वाले को पता क्या होगा कि आपका पेन पॉइंट क्या है या आप क्या बात करना चाहते हो या आपका क्या मोटिव है राइट right? तो तब मैंने कम्युनिकेट करना स्टार्ट किया एंड मुझे कोई पता ही नहीं था कि कम्युनिकेशन का कोई स्ट्रक्चर होता है क्या कि ऐसे अप्रोच करते हैं ऐसे बात करते हैं मैं तो नॉर्मली जिस सबसे बात करती हूँ ना मैंने वैसे ही बात किया फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि दुनिया में तरह तरह के लोग हैं डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल अराउंड द ग्लोब एंड देर आर डिफरेंट वेज टू अप्रोच पीपल आप अपने सीनियर्स को अलग तरीके से अप्रोच करोगे अपने जूनियर्स को अलग तरीके से अप्रोच करोगे आप ही के लेवल में जो आपके बैचमैंस हैं उनको अलग तरह से अप्रोच करोगे एंड आपके टीचर्स हैं आपके प्रिंसिपल है कॉलेज का डीन है यू आर ऑल गोइंग टू अप्रोच दैम वेरी वेरी डिफरेंटली सो योर अप्रोच फॉर कम्युनिकेटिंग विद एवरी सिंगल पर्सन हैज टू बी वेरी डिफरेंट सो यू हैव टू कीप इन माइंड कि आप किसके साथ कम्युनिकेट कर रहे हो वो कौन है वो क्या करते हैं

और अगर मैं कम्युनिकेट नहीं करती अपने टीचर से अपने कोलीग से तो मैं कैसे पास करती क्योंकि मुझे तो वो सब्जेक्ट आता ही नहीं था ना तो आई हैड टू टू अप्रोच डिफरेंट डिफरेंट पीपल हु हु आई आई हैव 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 नॉट नॉट नो स्पोकन अबाउट देम वेदर दे एग्जिस्ट और नॉट मुझे उनके साथ जाके बात करनी पड़ती थी कि आप मुझे प्लीज हेल्प करो ना मुझे क्लियर करना है मुझे आरियर नहीं चाहिए बिकॉज आई डेंट वॉन्ट दैट ब्लैक डॉट सो तब मैंने सोशलाइज करना स्टार्ट किया तब मुझे पता चला अच्छा अलग अलग लोगों से अलग अलग बात करते तब मुझे कॉन्फिडेंस आया और कैसे आया क्योंकि मैंने इंप्लीमेंट किया आई स्टार्ट इट कम्यूनिकेटिंग आई स्टार्ट टेकिंग द इनिशिएटिव सो यू हैव टू डू दैट यू यू सी अ अफ्रेड एंड बींग नर्वस इज एब्सल्यूटली नॉर्मल गाइज आप कोई भी स्टेज पे जाके बात करते हो आप कोई भी प्रोजेक्ट करते हो आप लाइफ में कुछ भी नया स्टार्ट करते हो बिना नर्वसनेस के तो शुरू नहीं होने का है तो दैट्स ओके okay, आप नर्वस हो गए आप क्या करोगे आप गलती करोगे आप कुछ और ब्लर्ट आउट कर लोगे आप कुछ गलत बोल दोगे बट ठीक है ना सॉरी बोल के संभाल लो ऐसे ही तो आप सीखोगे ना लेकिन अगर मैं कर सकती हूँ ना तो ट्रस्ट में कोई भी कर सकता है क्योंकि मैं एक एब्सोल्यूट इंट्रोवर्ट जो मैंने ट्वेल्थ स्टैंडर्ड तक आई वॉज एन इंट्रोवर्ट और उसके बाद जो मैंने अपने आप को बदला है ना तो कोई भी कर सकता है बट फिर कॉलेज ख़त्म हो गया फिर मैंने मास्टर्स किया और वहां मैंने रियलाइज किया अरे यहां पे भी कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है सो तो बेसिकली हर जगह कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है क्योंकि मुझे ना कंपनीज को लाना था रिक्रूटमेंट के लिए मुझे कॉलेज के लिए इवेंट्स ऑर्गेनाइज करने थे मुझे सेलिब्रिटीज से बात करनी थी तो आप सोचो कि इस लेवल का प्रेशर होगा मेरे ऊपर मतलब मेरे कॉलेज में तो मैं खाली स्टूडेंट्स तक बात कर रही थी अपने फ्रेंड्स तक बात कर रही थी बट अब तो सडन ऐसा प्रेशर आ गया कि मुझे कंपनीज के सी कंपनीज के एच और सेलिब्रिटीज जो आते हैं बात करने के लिए हमारे कॉलेज में उनसे बात करना पड़ता होगा तो आप सोचो किस लेवल का प्रेशर होगा बट मैंने वो कैसे हैंडल किया ना मैंने बहुत पोलाइटली बात किया Of course, मैंने भी गलतियां होंगी बट मैंने सबसे पहले ना उनको ऊपर चढ़ा दिया एकदम कर दिया उनको उनके लिए बहुत अच्छी-अच्छी बातें बोली और उसके बाद मैंने कहा अगर आप ये लिए करोगे तो मुझे बहुत अच्छा कराते हो जब आप किसी और को अच्छा फील कराते हो ना वो ऑटोमेटिकली आपसे बात करेंगे ये मेरी है। आपको बस उन्हें अच्छा करवाना है एंड थिंग So, क्यों हेजिटेट करते हो बात करने में शुरू तो करो अपने आप आप में कॉन्फिडेंस आएगा विल स्टार्ट टॉकिंग दिस इज न मेरा मास्टर्स खत्म होने के बाद मैंने डिसाइड किया कि मैं बैंगलोर जा रही हूँ मुझे तो यू you नो know, एक बार सिटी लाइफ देखनी है मुझे इंडिपेंडेंट होना है मुझे जॉब तो करती, करती थी मैं उनसे जाके बात करती थी उनको पूछती थी आप क्या कर रहे हो आपका काम क्या है मेरा काम ये है अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाओ टेल माई नेम इज वृंदा आई एम दिस आई एम वर्किंग एज दिस मई नो लिटल अबाउट यू आई वुड लव टू नो समथिंग अबाउट यू

और अगर आप सोच रहे हो कि चलो अभी कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट है बट अपने कैसे वर्क कर सकते हैं मैंने आपको अभी उसका आइडिया दिया बुक्स पढ़ो आप एक पेज पढ़ोगे ना आपको पांच वर्ड मिलेंगे जो आपको नहीं मालूम हो गूगल करो एंड ट्राई टू यूज दैट वर्ड इन योर डेली सेंटेंसेस दैट्स हाउ यू इंप्रूव ई e बुक्स नहीं मुझसे तो बुक्स पढ़ना नहीं होता मैं तो बुक्स नहीं पढ़ सकता या पढ़ सकती कोई बात नहीं आप सब इंस्टाग्राम में हो आजकल की पूरी जनरेशन इंस्टाग्राम में ही है इंस्टाग्राम में इतने सारे इंफ्लुएंसर्स हैं उनके वीडियोज़ देखो उनके वीडियो से सीखो YouTube पे दुनिया भर के वीडियोस हैं वो देखो उनसे सीखो एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली ऑब्जर्व पीपल अराउंड यू विच मोस्ट पीपल फेल टू डू दे डोंट ऑब्जर्व आप सिर्फ ये सोचते हो कि मैं तो खाली बोलता रहूंगा और सामने वाला सुनेगा का नो फर्स्ट रूल अगर आपको अपना कम्युनिकेशन इम्प्रूव करना है ना बी ए गुड लिस्नर एंड बी एन एक्टिव लिस्नर अब दोनों में क्या डिफरेंस है मैं आपसे बात कर रही हूँ आप सुन रहे हो ओके मैं आपसे बात करती हूँ आपसे आके पूछती हूँ मुझे बताओ मैंने आपको ये लाइन बताया था तो मैंने उसका आंसर क्या दिया था अगर आप वो दे पाए तो आप एक्टिव लिस्नर हो नहीं दे पाए मीन्स जस्ट गुड लिस्नर आपने एक्टिवली नहीं, नहीं सुना और एक्टिवली सुनना बहुत जरूरी है बिकॉज दैट शोज दैट यू आर एक्चुअली रिस्पेक्टफुल टूअर्ड द पर्सन हु स्पीकिंग यू आर एक्चुअली इंटरेस्टेड इन द अदर पर्सन इज स्पीकिंग सो बी योर एक्टिव लिसनर पहले सुनने की आदत रखो एंड ऑब्जर्व पीपल अराउंड यू देखो कि वो एक दूसरे से कैसे बात करते हैं कैसे कम्युनिकेट करते हैं उनसे भी आइडियाज़ लो एंड ऑब्जर्व दैट इंटू योर सिस्टम एंड यूज दैट ठीक है उन्होंने ऐसा किया ना, मैं ऐसा ट्राई करता हूँ इट्स नॉट कॉल्ड टॉपिंग इट्स कॉल्ड लर्निंग बाई प्रैक्टिस यूर लर्निंग फ्रॉम द पीपल अराउंड यू यूर ऑब्जर्विंग सो दै इज नथिंग रॉन्ग ट्रस्ट भी अगर आप ये सब फॉलो करोगे ना आपको कम्युनिकेशन की दिक्कत आने ही नहीं वाली सो फॉलो दिस कम्युनिकेट मोर कम्युनिकेट बेटर ऑब्जर्व Learn from people and also be a good active listener. That's very very important to improve your communication. One thing which strictly, rose workout hoga, but hoga. That's believe in yourself. It's very important. Nothing else matters. Society, what people think, your own thoughts that do not matter because only, the only thing that can stop you from doing what you want to do is either your thoughts or either people around you.

जिससे मैं काफी देर से जुड़ा हुआ हूँ और मुझे बहुत बहुत, बहुत ज्यादा पसंद है कि वो क्या कर रहे हैं जो स्टॉक्स ने एक नया ऐप लॉन्च किया है जिसका नाम है जोश स्किल्स अब वो नया नहीं रहा काफी टाइम से है लाखों लोग उसको अब यूज करते हैं और जोश स्किल्स पे आप अपनी जिंदगी के लिए कोर्सेज ढूंढ सकते हैं वो कोर्स नहीं जो आपको फिजिक्स केमिस्ट्री कॉमर्स बिजनेस स्टडीज पढ़ाएंगे वो कोर्सेज जो आपकी जिंदगी में आपको कैसे जीना चाहिए वो सिखाएंगे मैंने खुद जोश स्किल्स पे बहुत सारे कोर्सेज बनाए हैं पब्लिक स्पीकिंग पे इमोशनल क्राइसिस कैसे हैंडल किया जाए अपनी पर्सनालिटी कैसे डेवलप की जाए हर एक कोर्स में डेली क्विजेज हैं एक्सरसाइजेज हैं एक बहुत ही खूबसूरत कम्युनिटी है जो आपको सपोर्ट करेगी आपको इनकरेज करेगी आज ही डाउनलोड करें जोश स्किल्स का ऐप और उनके कोर्सेज एक्सप्लोर करके अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाएं